आईफोन 16 के बारे में हम आज डिटेल से बात करेंगे। इसकी प्राइस करीब 80,000 रुपये होने वाली है और हम अभी 80,000 बता रहे हैं इसके बेस वेरिएंट की प्राइस, जो कि 128 GB के साथ होगा। हम इसके फीचर्स देखेंगे और इसके अलग अलग वेरिएंट के साथ अलग अलग प्राइस देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका जो 256 GB होगा उसकी प्राइस करीब 90,000 रुपये होने वाली है और 512 GB के वाले के साथ 1,00,000 करीब 9,000 रुपये का मिलने वाला फ़ोन। 1,09,900 करीब 1,10,000 का। इसके फीचर्स की बात करें तो आपको 3G 4G 5G मिल जाएगा और वोल्टी वाईफाई NFC देखने को मिल जाएगा। एप्पल का A18 मिल जाएगा और हेक्सा कोर प्रोसेसर होगा, 8 GB का रैम होगा और इसमें 128 GB इंटरनल होगा। डिस्प्ले की बात करें तो 6.1 इंच का डिस्प्ले होगा स्मॉल नॉच के साथ। और कैमरे मॉड्यूल की बात करें तो इसमें कैमरा आपको 48 MP और 12 MP का रियर कैमरा मिल जाएगा और 12 MP का फ्रंट का कैमरा मिल जाएगा, जिससे आप 4K का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। मेमोरी कार्ड और FM देखने को, रेडियो देखने को नहीं मिलेगा आपको। इसके हम डिटेल से बारे में, स्पेक्स के बारे में बात करेंगे। इस फ़ोन के वेट की बारे में बात करें तो ये 170 ग्राम का फ़ोन होने वाला है, जो कि सबसे हल्का फ़ोन होने वाला है। और इसकी थिकनेस की बात करें तो 7.8 mm का इसका थिकनेस है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.1 इंच का OLED स्क्रीन देखने को मिलेगा आपको, स्मॉल नॉच के साथ मिलेगा और डिस्प्ले में आपको लगभग सभी तरह के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। कैमरे सेटअप की बात करें तो इसमें 48 MP और 12 MP का रियर कैमरा देखने को मिलेगा, जिससे आप 4K का 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकेंगे। और फ्रंट का आपको 12 MP का कैमरा मिलेगा, जिससे आप फ्रंट से भी 4K का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। टेक्निकल बात करें तो इसमें एप्पल का A18 चिपसेट दिया गया है, जो कि हेक्सा कोर प्रोसेसर के साथ वर्क करेगा। 8 GB के साथ 128 GB का इसमें स्टोरेज देखने को मिलेगा, जो कि आपको ये फ़ोन पड़ेगा करीब 80,000 रुपये का। इसमें कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी 5.3 का ब्लूटूथ वाईफाई NFC और 25 वाट का वायरलेस चार्जिंग के साथ आपको फास्ट चार्जिंग मिलेगी। इसके और डिटेल्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसमें एक eSIM होगा, दूसरा आपको नैनो सिम देखने को मिलेगा। अब बॉक्स के अंदर आपको हैंडसेट देखने को मिलेगा, USB-C चार्जर केबल देखने को मिलेगी, जो कि 1 मीटर की होगी, और डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे। इसके 5 वेरिएंट आते हैं कलर वाइज देखें तो। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखें तो इसमें 86.4% का देखने को मिलेगा। इसमें ग्लास टाइप की बात करें तो सिरेमिक के सॉलिड ग्लास देखने को मिलेगा, जो स्मॉल नॉच देखने को मिलेगा। और फीचर्स आप देख सकते हैं, लगभग सभी तरह के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। 5G के बहुत सारे बैंड देखने को मिलेंगे। इसमें IP68 की रेटिंग दी गई है। और आप देखेंगे इसका कैमरे सेटअप की बात करें तो जो 48 MP का कैमरा है वो 26 mm का है, जो कि वाइड एंगल होगा, और 12 MP का 13 mm का होगा, जो कि अल्ट्रा वाइड होगा विथ ऑटो फोकस के साथ। इसमें कैमरे के सभी सेटअप देखने को मिलेंगे, आप देख सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो इसमें 4K का 60 FPS का आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकेंगे। इसमें आता है का वीडियो और म्यूजिक सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इसमें डॉक्यूमेंट रीडर मिल जाएगा और फास्ट चार्जिंग रहेगी 25 वाट का। वीडियो प्ले करते हैं तो लगभग आप 22 घंटे यूज कर पाएंगे, और ऑडियो या म्यूजिक यूज करते हैं तो आप करीब 80 घंटे तक यूज कर पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और आप कौन सा फ़ोन लेना चाहते हैं और इसके बारे में डिटेल से आप देख सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसकी जो जानकारी हम बताए हैं उसका आप एक बार देख सकते हैं।
क्या क्या अंतर होने वाला है। आपको 16 प्रो मैक्स और 16 प्रो में आपको कैमरा बेहतर देखने को मिलेगा, जिससे आप 120 FPS तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकेंगे। और 16 प्लस और 16 में आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, कि जो कि 48 और 12 MP का होगा। प्रो मैक्स और प्रो की बात करें तो उसमें आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेगा, जिससे आप अच्छी क्वालिटी का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और बाकी सब कुछ सिमिलर देखने को मिलेगा। डिस्प्ले छोटा बड़ा देखने को मिल जाएगा। और